हेलो एवरीवन, टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट वोकेशनल एजुकेशन और वी कैन से दैट वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। सो फर्स्ट हम जान लेते हैं वोकेशनल एजुकेशन एंड वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, ये अलग अलग टर्म्स कैसे है। तो बात करें वोकेशनल एजुकेशन क्या होती है, तो वो एक तरीके की का सिस्टम है या एक कोर्स ऑफ स्टडी हम बोल सकते हैं, जहाँ पर इंडिविजुअल्स को प्रिपेयर किया जाता है जॉब्स के लिए, नौकरियों के लिए, जो कि प्योरली बेस्ड होती है प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ पे। कोई भी जॉब आप प्रैक्टिकल एक्टिविटी आपकी है, जैसे आप अगर साइकिल को सुधार सकते हैं, उसका पंक्चर ठीक कर सकते हैं, तो उस तरह की आपको जॉब मिलेगी। आप कार को ठीक कर सकते हैं, आप मैकेनिक बनेंगे, तो इस तरह की स्किल आपके अंदर डेवलप की जाए ताकि आपको जॉब मिल जाए आसानी से, वो ही वोकेशनल एजुकेशन है। तो पहले क्या था, ट्रेडिशनली नॉन अकेडमिक थे, यानी एजुकेशन से इसका कोई लेना देना नहीं था। वो सीधा क्या था, अगर आपको जॉब चाहिए तो आप कोई ट्रेड करते थे, आपका वो ऑक्यूपेशन होता था एक तरीके से, या लोग व्यापार करते थे, तो उससे एजुकेशन का कोई लेना देना नहीं था। तो ये नॉन अकेडमिक थी उस टाइम पे, यानी स्कूल्स के अंदर ये चीज़ें नहीं सिखाई जाती थी। तो अब बात करें वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन क्या है, तो यहाँ पर क्या है कि हम मिक्स करते हैं जो हमारी जनरल एजुकेशन है उसके साथ इसी वोकेशनल एजुकेशन को, यानी कि बच्चे पढ़े भी और साथ साथ वो प्रिपेयर हो जाए फ्यूचर जॉब्स के लिए, वो जॉब भी उन्हें मिल पाए। तो वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन का मतलब जाने तो ट्रेनिंग है इन सम वोकेशंस एट द सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी लेवल, फिर जनरल एजुकेशन। आगे देखें तो हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अगर इसका जाने तो वैदिक पीरियड के अंदर क्या होता था कि वोकेशनल एजुकेशन एक इनसेपरेबल पार्ट ऑफ करिकुलम था, यानी कि वो ऐड था करिकुलम के अंदर। पेरेंट्स क्या है, इम्पार्ट करते थे एजुकेशन अबाउट देयर फैमिली बिजनेस टू देयर ऑफस्प्रिंग, यानी अपने बच्चों को बताते थे फैमिली बिजनेस के बारे में कि उनके बाद वो बच्चे फैमिली बिजनेस को संभाल पाए। वोकेशनल एजुकेशन के अंदर क्या है, आर्ट, मेडिकल एजुकेशन, मिलिट्री एजुकेशन, एजुकेशन ऑफ कॉमर्स, सब कुछ इंक्लूड था। ऑल्सो कुछ कुछ जगह पे क्या था कि जनरल एजुकेशन वाज ऑल्सो इम्पार्टेड विद वोकेशनल एजुकेशन, जैसे कि क्षत्रियाज जो है उन्हें सिखाया जाता था मैथमेटिक्स, लॉजिक, नॉलेज ऑफ वेदास, मिलिट्री ट्रेनिंग दी जा रही थी। सिमिलरली जो ब्राह्मीन्स थे उनमें एजुकेशनल ये इम्पार्ट की जा रही थी वैल्यू, जैसे सोशल, रिलीजियस, जो विद मेडिकल एजुकेशन। तो ये सब वैदिक पीरियड में था। बुद्धिस्ट पीरियड की बात करें तो वहाँ पर भी बेसिकली वहाँ पर मेन फोकस था रिलीजियस एजुकेशन दी जाए, बट अदरवर हम बोल सकते हैं वहाँ पे और चीज़ें भी कंसिडरेशन में रखी गई, जैसे कि बुद्धिस्ट सिस्टम में एक प्रॉपर प्लेस था जहाँ पे वोकेशनल एजुकेशन दी जाती थी, और करिकुलम में मेडिकल एजुकेशन, हैंडीक्राफ्ट, प्रोफेशनल एजुकेशन, आर्किटेक्चर, पेंटिंग, स्कल्पचर, ये सब कुछ ऐड था। मुस्लिम पीरियड की बात करें तो इस्लामिक एजुकेशन सिस्टम में भी वोकेशनल एजुकेशन को काफ़ी इंपॉर्टेंस दी गई थी। तो वहाँ पे क्या था, हैंडीक्राफ्ट था, मेडिकल एजुकेशन था, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती थी इन मुस्लिम एजुकेशन सिस्टम। तो आगे बात करें तो वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन इन प्री इंडिपेंडेंस एरा, यानी कि जब हमारा कंट्री आज़ाद नहीं हुआ था, उससे पहले वोकेशनल एजुकेशन कैसी थी, तो वहाँ पे बहुत सारी कमिटीज़ ने अलग अलग रिकमेंडेशंस दी थी कुछ, लेकिन एक फाइनल कॉन्क्रीट रिजल्ट जो हम बोलते हैं, जिससे एक फाइनल रिजल्ट हमें मिलता है क्लियर, वो कभी नहीं मिला। बट रिकमेंडेशंस हम देख सकते हैं, जैसे हंटर कमीशन ने 1882 में सबसे पहले कहा था कि कोई ना कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट आपके स्कूल एजुकेशन में ज़रूर होना चाहिए। फिर हर्टो कमीशन, फिर सैप्रू कमेटी आई, फिर अबोर्ड वुड रिपोर्ट आई, फिर गांधीज वर्धा स्कीम ऑफ बेसिक एजुकेशन आई 1937 में, और इसके पीछे भी आइडिया यही था कि हम एजुकेशन प्रोवाइड करें थ्रू सम फॉर्म ऑफ क्राफ्ट और प्रोडक्टिव वर्क। गांधी जी भी सपोर्ट करते थे कि स्किल बेस्ड एजुकेशन होनी चाहिए, बच्चे जो है वो क्राफ्ट वर्क, कुछ प्रोडक्टिव वर्क अपनी एजुकेशन से सीख पाए ताकि वो फ्यूचर के लिए रेडी हो पाए। इट वॉज टू रिलीव द चाइल्ड फ्रॉम द टायरनी ऑफ प्योरली अकेडमिक एंड थ्योरेटिकल इंस्ट्रक्शन, उससे बच्चे को हमें रिलीव करना था, एंड टू ब्रेक डाउन द एग्जिस्टिंग बैरियर्स और प्रेजुडाइज बिटवीन मैनुअल एंड इंटेलेक्चुअल वर्क, इनके बीच में जो भी एग्जिस्टिंग बैरियर्स थे उन सबको हमें ख़त्म करना था। इस तरह एक और रिपोर्ट आई, सर्जेंट रिपोर्ट 1944 में। तो ये सारी रिपोर्ट्स आई, आप इनके बारे में पढ़ सकते हैं अगर आपको एक्स्ट्रा डिटेल जाननी है। आगे बात करें तो वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा, जब हमारा कंट्री 1947 में इंडिपेंडेंट हो गया, उसके बाद क्या हुआ वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन के फील्ड में। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस हमें पता चला कि हाँ वोकेशनल एजुकेशन होनी चाहिए, हमें उसकी नीड महसूस हुई, जिसमें क्या है कि कुछ कमीशन्स और कमिटीज़ रखी गई, जैसे द सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1953, इसको मुडाइलर कमीशन भी बोला जाता है। फिर कोठारी कमीशन ने अपनी कुछ जो है सजेशंस दिए, फिर नेशनल रिव्यू कमेटी ने 1978 में दिए, फिर नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन NP 1986 में आई, उसमें काफ़ी सारे रिकमेंडेशंस किए गए अबाउट वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। तो आगे हम इसी की बात करेंगे। अब बात करें इसकी नीड एंड इम्पोर्टेंस क्या थी,
तो कुछ चीज़ें जान ली, जैसे सोशल एडजस्टमेंट, आपको सोसाइटी में एडजस्ट करना है तो कहीं ना कहीं अगर एक स्किल बेस्ड इंसान है तो वो इजीली एडजस्ट कर सकता है, उसमें स्किल्स है, वो कहीं पे भी काम कर सकता है, अपनी अपने लिए कमा सकता है, तो वो इंसान इजीली कहीं भी एडजस्ट कर सकता है सोसाइटी के अंदर। तो कहीं ना कहीं ये सोशल एडजस्टमेंट को फेवर करती है। एजुकेशन फॉर लिवलीहुड, आप अपने जीने के लिए पढ़ रहे हैं, यानी कि अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको जॉब जरूर मिल जाएगी, आपको खाना पीना उससे हो जाएगा, तो ये एजुकेशन फॉर लिवलीहुड भी इसके अंदर आ जाती है। स्किल आपकी डेवलप होती है, आप नई नई चीज़ें सीखते हैं, हैंडीक्राफ्ट, आर्किटेक्चर, इस सब पे बहुत कुछ सीखते हैं। सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, हम कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर रहे हैं कि इससे अनएम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा इंप्लॉयमेंट आएगा, क्योंकि स्किल बेस्ड यूथ हमारे डेवलप होंगे। डेवलपमेंट ऑफ एक्टिवनेस एंड अलर्टनेस, एक्टिवनेस और अलर्टनेस डेवलप होगी क्योंकि स्किल आएगी, लोग काम करेंगे और कहीं ना कहीं एक्टिव रहेंगे उसके साथ साथ। तो यहीं पे हमें नीड और इम्पोर्टेंस दोनों टर्म को हम इसकी समझ सकते हैं। आगे बात करें तो प्रिंसिपल्स क्या थे वोकेशनल एजुकेशन के, तो पहला तो यही है कि वेल प्लान होनी चाहिए, आप एकदम जो चीज़ जिस भी बच्चे का जिस चीज़ में इंटरेस्ट है उसको उसके बेस्ड उसी तरह की उसको स्किल दी जाए ताकि वो आगे फ्यूचर में काम कर पाए, एकदम प्लान किए सब कुछ। नीड बेस्ड होनी चाहिए कि हाँ इस चीज़ की नीड है तो ये चीज़ें ऐड हो, ये नहीं कि कुछ भी आपके करिकुलम में ऐड हो रहा है। अवेलेबिलिटी ऑफ गाइडेंस, प्रॉपर गाइडेंस मिले बच्चों को सबको, इवेलुएशन हो कि हाँ अच्छे से वो सीख पा रहे हैं नहीं। लोकल इनिशिएटिव, सोसाइटी में भी लोग इनिशिएटिव ले अपने बच्चों को अलग अलग स्किल्स सिखाने का। कॉम्पिटेंट पर्सनल, ये क्या होता है, ये थोड़ा अलग टर्म है, तो ये कॉम्पिटेंट पर्सनल एक तरीके एक पर्सन होता है, मतलब एक एम्प्लॉय होता है हु इज़ एबल टू रिकॉग्नाइज हजार्ड्स एसोसिएटेड विद पार्टिकुलर टास्क एंड हैज़ द एबिलिटी टू मिटिगेट दोज टास्क, यानी कि एक ऐसा पर्सन जो जो भी खतरे हैं उनको इजीली आइडेंटिफाई कर पाए और एबिलिटी हो उसके अंदर कि वो उन्हें कहीं ना कहीं उनसे निकल पाए या निकाल पाए पूरे सिस्टम को, तो ये पर्सन वो चीज़ देखेगा। तो ऐसा इस तरीके का पर्सन भी होना चाहिए। रिसर्च बेस्ड होनी चाहिए पूरी, और जनरल जो करी एजुकेशन है उसका एक इंटीग्रल पार्ट होना चाहिए, इंपॉर्टेंट पार्ट होना चाहिए वोकेशनल एजुकेशन। तो ये इसके प्रिंसिपल्स रहे। आगे बात करें तो एम एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या रहे, एम एंड ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो यहाँ पे क्या है, रिड्यूसिंग अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है हमारी कंट्री में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और कहीं ना कहीं जब हम अपने यूथ को स्किल देंगे उनमें इतनी स्किल्स डेवलप होगी कि वो अपने लिवलीहुड के लिए चीज़ें इजीली अर्न कर पाए, वो कमा पाए अपनी रोजी रोटी के लिए, तो कहीं ना कहीं इससे रिड्यूस होता है अनएम्प्लॉयमेंट। और क्या है, डेवलपमेंट ऑफ वेरियस एबिलिटीज़ एंड एप्टीट्यूड्स ऑफ स्टूडेंट, ये भी इससे डेवलप होता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है कंट्री का, क्योंकि जितने ज़्यादा मैन पावर होगी, जितना ज़्यादा लोग काम करेंगे, जितने ज़्यादा जॉब्स मिलेगी, उतना ज़्यादा हमारी इकोनॉमी भी ग्रो करेगी। टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू फुलफिल द नीड्स ऑफ वुमेन, रूरल एंड ट्राइबल स्टूडेंट्स, तो कहीं ना कहीं उनमें भी जो स्किल है वो निखर के आएगी इस एजुकेशन के थ्रू। टू गिव अपॉर्चुनिटी फॉर प्रोफेशनल ग्रोथ, कैरियर इंप्रूवमेंट, तो ये तो चीज़ें हमने जानी है, इन ये सब इसके एम एंड ऑब्जेक्टिव्स रहे। आगे बात करें तो अकॉर्डिंग टू 6th 5-year प्लान, तो फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स हमने रखे गए, जैसे लर्निंग वाइल अर्निंग एंड डिग्निटी ऑफ ह्यूमन लेबर, जो लोग काम करते हैं उनकी डिग्निटी, उनकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए सोसाइटी में, और हम जब सीखे अर्न करें साथ साथ में सीखे। लर्निंग टेक्निकल स्किल ऑफ इकोनॉमिक रेलेवेंस, टेक्निकल स्किल लोग सीखे। लर्निंग थ्रू सोशल रेलेवेंट एक्टिविटीज़, उनसे सीखे। हायर एजुकेशन विद अपॉर्चुनिटी फॉर एम्प्लॉयमेंट, स्पेशली सेल्फ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए होनी चाहिए, हमें अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए हायर एजुकेशन में। इम्फेसिस ऑन द क्रिएशन ऑफ न्यू फैसिलिटी इन टेक्निकल एंड वोकेशनल इंस्टीट्यूट, पार्टिकुलर इन रूरल एरियाज़ में फैसिलिटी हो, क्योंकि कहीं ना कहीं देखते हैं रूरल एरियाज़ में लोग पीछे रह जाते हैं, अगर उन्हें फैसिलिटी मिलेगी वो भी स्किल सीखेंगे तो काफ़ी अच्छा मैन पावर हम अपनी कंट्री में देख पाएंगे। तो आगे बात करें तो स्लो प्रोसेस रहा इस वोकेशनल एजुकेशन का, इसके क्या कारण है और ये स्लो क्यों रहा, कहीं ना कहीं एक तरीके से बोल सकते हैं कि स्लो इसकी प्रोग्रेस रही है, स्लो प्रोसेस रहा। तो डिफरेंट कमीशन्स ने कुछ वैल्यूएबल सजेशन दिए फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ वोकेशनल एजुकेशन, बट प्रोसेस फिर भी स्लो रहा हमारा, हमने अभी यही देखा। तो क्या क्या रीज़न हो सकते हैं, जैसे शॉर्टेज ऑफ फाइनेंसेस, यानी कि जो फाइनेंसिस बहुत ज़रूरी होते हैं, अगर हमें कोई भी स्कीम चलानी है, गवर्नमेंट कोई भी स्कीम चलाती है तो पहले उन्हें इन्वेस्ट करना होता है तभी वो स्कीम सक्सेसफुल होती है। तो इसके लिए इक्विपमेंट, लैबोरेटरीज़, ट्रेंड पर्सनल, ऐसे लोग जो इस स्किल सिखा सके दूसरे लोगों को, उनकी ज़रूरत थी, लेकिन ये नहीं हो पाया क्योंकि सफिशियंट फाइनेंस यानी कि पूरा पैसा नहीं मिला इस स्कीम के अंदर। और यहाँ पे क्या है, टीचर ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ भी ज़्यादा नहीं मिली क्योंकि टीचर सिखाएंगे,
तभी तो बच्चे सीख पाएंगे। अब टीचर्स को अच्छे से ट्रेनिंग ना मिले, कोई प्रॉपर फैसिलिटी नहीं है, तो वो क्या ही सिखा पाएंगे। तो ये भी इसमें कहीं ना कहीं लैक करती है चीज़। वोकेशनल एजुकेशन टेकर लाइटली, काफ़ी लाइटली इसको लिया गया, अगर करिकुलम में थी फिर भी इसको ढंग से फॉलो नहीं किया गया। अथॉरिटीज़ जो इसके साथ जुड़े हुए थे, टीचर्स जो इसके साथ जुड़े थे, उन्होंने भी इसको सेकेंडरी इंपॉर्टेंस दी। मेन हमारा फोकस अपनी जनरल एजुकेशन पर ही रहा, और रिजल्ट क्या रहा, जो भी इसके ऑब्जेक्टिव्स थे कहीं ना कहीं ये स्कीम उसको पाने के में फेल रही, वो अटेन नहीं कर पाई वो डिज़ायर्ड ऑब्जेक्टिव्स को, कहीं ना कहीं ये फेलियर रहा। अब बात करें सजेस्टेड प्रोग्राम फॉर वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, क्या क्या प्रोग्राम रहे। तो सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1952 से 53 में जो आया, उन्होंने कुछ रिकमेंडेशन दी रिगार्डिंग टेक्निकल एजुकेशन। बेसिकली टेक्निकल एजुकेशन पे फोकस किया, तो इसमें क्या था कि हम टेक्निकल स्कूल्स ओपन करें जहाँ पे बच्चों को टेक्निकल स्किल सिखाया जाए, सेंट्रल टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स हो ताकि स्कूल के बाद बच्चे वहाँ पे सीखें, लोकेशन ऑफ टेक्निकल स्कूल्स हो कि अच्छी हो, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग उन्हें मिले, क्लोज एसोसिएशन हो, इंडस्ट्रियल एजुकेशन सस, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल ट्रेनिंग टेक्निकल एजुकेशन, ये सारी चीज़ें हो। ये सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1952 से 1953 में जो आया, उन्होंने सजेशंस दिए थे, ये मेनली फोकस करते थे अबाउट टेक्निकल एजुकेशन। आगे बात करें तो कोठारी कमीशन 1964 से जो 1966 के बीच में आया, उन्होंने भी कुछ रिकमेंडेशन दी, जैसे वोकेशनल एजुकेशन को उन्होंने फुल टाइम बनाने की बात की, लाइक जो लोअर सेकेंडरी स्टेज है वहाँ पर इम्पोर्टेंस दी जाए, और जो एडमिशन की एज है उसको रिड्यूस किया जाए, कहीं ना कहीं कम किया जाए, टेक्निकल कोर्सेज आए, एजुकेशन फॉर रूरल स्टूडेंट के लिए एजुकेशन हो, पार्ट टाइम कोर्सेज अलग से कराए जाए, एजुकेशन फॉर गर्ल्स हो, कुछ इस तरह के रिकमेंडेशन वहाँ पर दिए गए थे। तो आगे बात करें हायर सेकेंडरी स्टेज की बात करें, अभी तो हमने छोटी स्टेज देखी, हायर सेकेंडरी पे क्या है, एक्सपेंशन ऑफ कोर्सेज इन द ITIs, यानी ITIs हमारे जो होते हैं उसमें इन कोर्सेज को एक्सपेंड किया जाए और कोर्सेज के अंदर लाए जाए, क्योंकि वहाँ पे स्किल बेस्ड एजुकेशन लोग सीखते हैं, बच्चे सीखते हैं। शॉर्ट कंडेंस्ड कोर्सेज होने चाहिए, वोकेशनल कोर्सेज इंडस्ट्री में होने चाहिए, और भी सारे कोर्सेज वहाँ पे ऐड होने चाहिए, ये उन्होंने बात की। बात करें तो बी पार्ट में हम बात करते हैं, ये तो फुल टाइम का था। अब बात करें पार्ट टाइम वोकेशनल एजुकेशन के लिए क्या किया, तो लोअर प्राइमरी स्टेज में द कमीशन रिकमेंडेड दैट पार्ट टाइम वोकेशनल एजुकेशन शुड बी प्रोवाइडेड एट द लोअर लेवल प्राइमरी लेवल फॉर दोज हु लेफ्ट देयर स्टडीज एट दिस स्टेज। कुछ क्या है, अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं बच्चे, तो कहीं ना कहीं अगर उनकी पढ़ाई छूटती है तो ये वोकेशनल एजुकेशन नहीं छूटनी चाहिए, कम से कम को वो कुछ स्किल तो सीखे, इसलिए पार्ट टाइम कहीं ना कहीं स्किल को सिखाने के लिए उन्होंने ये बोला कि वोकेशनल एजुकेशन प्रोवाइड करानी चाहिए। आगे बात करें नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन यानी कि NPE 1986 ने क्या कहा, तो इन्होंने कहा एक डिस्टिंक्ट स्ट्रीम, एक अलग स्ट्रीम होनी चाहिए इसकी, हेल्थ रिलेटेड वोकेशनल कोर्सेज भी होने चाहिए, ब्रिज कोर्सेज भी होने चाहिए, और टर्शियरी लेवल कोर्सेज भी होने चाहिए। अब बात करें प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 ने इसके बारे में क्या कहा, उन्होंने कहा जॉइंट काउंसिल होनी चाहिए वोकेशनल एजुकेशन के लिए, सेंट्रल इंस्टीट्यूट होने चाहिए वोकेशनल एजुकेशन के, एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन अभी है उसकी स्ट्रेंथनिंग हो, उसे और स्ट्रॉन्ग बनाया जाए ताकि ये एजुकेशन अच्छे से, ये जो सिस्टम है अच्छे से वर्क कर पाए, ये स्कीम आए। अब बात करें एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम थी, तो अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम ऑफ वोकेशनलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन वॉज स्टार्टेड फ्रॉम फरवरी 1988 फरवरी से ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम स्टार्ट हुई, यानी कि सेंटर ही इसको पूरा देखती थी, इसमें जो फाइनेंस लगानी है सब कुछ। अंडर दिस स्कीम, स्कीम के अंदर क्या हुआ, फाइनेंशियल असिस्टेंस हैज़ बीन प्रोवाइडेड टू स्टेट गवर्नमेंट UT एडमिनिस्ट्रेशन फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ वोकेशनल कोर्स इन स्कूल एट प्लस टू स्टेज पर वोकेशनल एजुकेशन, वोकेशनल कोर्स इंट्रोड्यूस हो, इसके लिए UTs को गवर्नमेंट को, सेंट्रल जो गवर्नमेंट थी वो पैसा देती थी। आगे बात करें तो इसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट थे, लाइक कंडक्ट ऑफ एरिया वोकेशनल सर्वे सो दैट वोकेशनल कोर्सेज टू बी इंट्रोड्यूस इन सेलेक्टेड इंस्टीट्यूशन टाइम टाइम पर, एरिया वोकेशनल सर्वेज हो ताकि ये नीड बेस्ड हो कि जिस चीज़, जिस कोर्स की हमें नीड है बच्चों को, बेसिकली वो कोर्स वहाँ पे हो किसी भी इंस्टीट्यूशन के अंदर, इसके लिए सर्वेज किए जाएँ, करिकुलम प्रिपेयर्ड हो, कोर्स मटेरियल को प्रिपेयर किया जाए, ट्रेनिंग हो टीचर्स के अच्छे से जिन चीज़ों की अभी हमने बात की, एंड प्रोवाइडिंग अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग एंड मॉडिफिकेशन ऑफ रिक्वायरमेंट रूल्स टू इनेबल स्टूडेंट फ्रॉम वोकेशनल स्ट्रीम टू फाइंड एम्प्लॉयमेंट इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर, ताकि ऑर्गेनाइज सेक्टर में
वो इम्प्लॉयमेंट ले सके, जब भी वो एक वोकेशनल स्ट्रीम में जाते हैं वहाँ से सीख के स्किल्स को डेवलप करके वो ले सके। द स्कीम ऑल्सो सीक्स टू प्रमोट एक्सपेरिमेंटेशन, इनोवेशन। थोड़ो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एनजीओ जो होते हैं हमारे, उनकी हेल्प से हम एक्सपेरिमेंट करें, इनोवेशन करें वोकेशनल एजुकेशन के अंदर, यानी जो स्किल हम जानते हैं कि स्किल सीख के इम्प्लॉयमेंट मिल सकते हैं, कुछ नई स्किल भी डेवलप की जाए, कुछ नए आइडियाज़ भी आए, तो वो सब इसके अंदर ऐड किए गए। तो सिस्टम ऑफ वोकेशनल एजुकेशन डिपेंड अपॉन फॉलोइंग फैक्ट्स। जैसे एक तो होगा हमारा करिकुलम, कि जिस करिकुलम के थ्रू बच्चे पढ़ेंगे तो वो स्पेशली प्रिपेयर्ड हो, उसमें जितने भी एम्स ऑब्जेक्टिव है वो प्रॉपर फॉलो होते हो। जब भी हम करिकुलम को बनाए तो अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी वहाँ पे रखी जाए, उसमें जनरल सब्जेक्ट टीचर हो, स्पेशल टीचर हो जो वोकेशनल कोर्सेज के लिए रखे जाते हैं, वो सब उसको देखे कि हाँ इसमें जो भी चीज़ें रखी गई है वो बिल्कुल सही है। इसके अंदर क्या है कि कोई भी गैप ना हो बिटवीन द प्लान्स, टास्क एंड अचीवमेंट। सब कुछ जो प्लान किया गया है, जो टास्क दिए गए हैं वो फुलफिल हो रहे हैं, और एक अचीवमेंट मिले लास्ट में कि हाँ जो चीज़ सोच के चले थे वो फुलफिल हुई। अब बात करें डाइवर्सिफिकेशन ऑफ कोर्स की, क्योंकि हम एक तरीके का कोर्स नहीं लगा सकते, हर एक स्टूडेंट की नीड अपनी अलग होती है, उसका एटीट्यूड अलग होता है, उसका एटीट्यूड अलग होता है, तो इंटरेस्ट अलग होता है, उसको देखते हुए इंडिविजुअल डिफरेंसेस को देखते हुए अलग अलग कोर्स इसके अंदर ऐड किए जाए, अलग अलग स्किल्स ऐड की जाए जो कि सिखाई जाए टाइम टाइम। डिफरेंट वोकेशंस यानी कि करिकुलम के अंदर डिफरेंट वोकेशंस होनी चाहिए। वोकेशंस वुड बी इन अकॉर्डेंस विद द नीड एंड रिक्वायरमेंट ऑफ इंडिविजुअल लर्नर ऑफ द कम्युनिटी। दस द लर्नर विल बी एबल टू हैव राइट टाइप ऑफ वोकेशनल एफिशिएंसी। वो ही बात करते हैं हम अलग अलग स्किल इसके अंदर हो, द लर्नर विल बिकम फिट पर्सन फॉर द सोसाइटी, दे विल नॉट बिकम प्रॉब्लम टाइप एंड विल नॉट ऐड टू द नेशन प्रॉब्लम सच एज अनएम्प्लॉयमेंट। वो अनएम्प्लॉयड ना हो, अलग अलग है उसमें स्किल्स डेवलप की जाए, बच्चों को अलग अलग स्किल वहाँ पर सिखाए जाए। तो यही चीज़ें सेम हमारी बात करते हैं दोनों ही टर्म, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ कोर्स भी और डिफरेंट वोकेशंस भी। आगे बात करें तो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए बिटवीन जनरल एजुकेशन एंड वोकेशनल एजुकेशन। कोऑर्डिनेशन की हमने बात की कि वही ये चीज़ें ऐड होनी चाहिए, दोनों एक दूसरे से मिलके ऐड होनी चाहिए, क्योंकि वोकेशनल एजुकेशन तभी प्रोग्रेस करेगी, तभी इसके फ्रूटफुल मीनिंग मिलेंगे जब ये जनरल एजुकेशन के साथ ऐड होके अच्छे से। द इंस्ट्रक्शन इम्पार्टिंग जनरल एजुकेशन लीडिंग टू प्लस टू एग्जामिनेशन फॉर BA एंड BSc शुड वर्क इन क्लोज कोलेबोरेशन विद ITI, पॉलिटेक्निक एंड अदर टेक्निकल एंड प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन। उनके साथ मिलकर बच्चे पढ़ाई करें ताकि स्किल भी साथ साथ सीखे और साथ साथ में अपनी जनरल एजुकेशन भी वो करते रहे। आगे बात करें तो इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, एंड देर मे बी इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ एजुकेशन विद द एडवांसमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इंडस्ट्री इज ऑलरेडी मेकिंग लॉट ऑफ प्रोग्रेस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट हो रहा है, तो उसके साथ साथ टेक्निक इस तरीके का एजुकेशन दी जाए जाकि ताकि लॉट ऑफ प्रोग्रेस हो, लोगों की काफ़ी प्रोग्रेस हो, क्योंकि जो ये साइंस टेक्नोलॉजी से बेस्ड इंडस्ट्री होती है वो कहीं ना कहीं प्रोग्रेस करती है, तो ये चीज़ें हमारी एजुकेशन में भी ऐड हो और बच्चे इससे बहुत कुछ सीखे अबाउट द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। बात करें डिफरेंट स्ट्रीम, तो अलग अलग स्ट्रीम होनी चाहिए अलग अलग टाइप के स्टूडेंट के लिए। जो एवरेज टाइप स्टूडेंट्स हैं, जो ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं है और ये अनफिट होते हैं हायर स्टडीज़ के लिए, उनको भी एक स्पेशल टाइप की वोकेशन सेंटर्ड एजुकेशन दी जाए जब वो अपने मिडिल एग्जामिनेशंस को पास कर ले। देर में भी अनदर स्किल विच द स्टूडेंट मे ज्वाइन आफ्टर पासिंग 10+2 एग्जामिनेशन, इट मे बी मोर देन दे इंटेलिजेंट टाइप ऑफ स्टूडेंट एंड दोज बॉर्न टू बी इन इंडस्ट्रियलाइज सिस्टम ऑफ एजुकेशन बट अदरवाइज दे आर इंटेलिजेंट इनफ फॉर हायर स्टडीज शुड बी अलाउड टू गो अहेड। अगर कोई स्टडी में ज़्यादा अच्छा है तो उसको स्टडी के लिए अलाउ किया जाए, अगर कोई ज़्यादा अच्छा नहीं है तो कहीं ना कहीं उसको अलग टाइप की स्किल्स दे दी जाए। तो ये इस पर फोकस करता है, दिस विल सेव एनी टाइप ऑफ वेस्टेज एंड एनर्जी। सिंपल सी बात है, कहीं ना कहीं अगर कोई अच्छा एजुकेशन में तो उसमें आगे जा सकता है। द स्टूडेंट वुड ऑल्सो कम आउट एज हैप्पी एंड सोशल यूजफुल बींग्स। तो ये काफ़ी अच्छी लाइन यहाँ पर बताई है। अब बात करें रिकमेंडेशन ऑफ जारधान रेड्डी कमेटी 1992 में, लास्ट जो रिकमेंडेशन इसके अंदर हुई वो जारधान रेड्डी कमेटी के अंदर हुई। तो कुछ रिकमेंडेशन ये रही, यहाँ पे था स्ट्रेंथनिंग वोकेशनल स्ट्रीम्स, इनको जो एग्जिस्टिंग वोकेशनल स्ट्रीम है प्लस टू लेवल वो सुटेबली स्ट्रेंथन्ड हो, यानी उसको काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाया जाए, अब प्रॉपर स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाए। वोकेशनल कोर्सेज हो फ्रॉम क्लास नाइन्थ से ही वोकेशनल कोर्सेज स्टार्ट हो जाए। जेनरिक वोकेशनल कोर्सेज हो, यानी चॉइस बेस्ड भी वोकेशनल कोर्सेज हो, लाइक द आइडिया ऑफ कोर ए वोकेशनल कोर्सेज मूटेड बाय द NPE रिव्यू कमेटी। NPERs इज अट्रैक्टिव जेनरिक वोकेशनल कोर्सेज में भी ए सेलेक्टिव बेसिस पे हो कि हाँ बच्चे को अगर ये कोर्स लेना है
और ये वो उसको अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ले पाए। यही होते हैं हमारे जैनिक वोकेशनल कोर्सेज, और ये ट्राई किया गया ये सब 10% ऑफ स्कूल्स के अंदर। आगे बात की रिकमेंडेशन ऑफ NPER से, तो ओदर रिकमेंड यही रही कि हम इम्प्लीमेंटेशन करें स्कीम ऑफ वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन में टेक इन टू एलिमेंट्री एजुकेशन। प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो काफ़ी सारे प्रयास किए जाए इसको प्लानिंग और इसकी इम्प्लीमेंटेशन को देखने के लिए, ताकि ये स्कीम इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट हो पाए और इसके फ्रूटफुल रिजल्ट्स हम देख पाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको और BEd DLED कोर्स से रिलेटेड वीडियोज़ देखनी है तो आप चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।